हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 8th क्लास चैप्टर 13 साउंड का जो नोट्स है उसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं साउंड। तो साउंड जो है वो एक फॉर्म है एनर्जी का, जैसे हीट एनर्जी होता है, लाइट एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, वैसे ही साउंड भी एक एनर्जी है। और यह जो है एक सेंसेशन काउज करता है जिससे हम लोग सुन पाते हैं। साउंड जो है वो हम लोगों को कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, यानी हम लोग जो एक दूसरे से बातचीत करते हैं उसमें ये हेल्प करता है। प्रोडक्शन ऑफ साउंड। साउंड जो है प्रोड्यूस होता है जब किसी ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन होता है, और जब भी किसी मटेरियल में मोशन होगा तो ऑब्जेक्ट में क्या होगा, वाइब्रेशन होगा। वाइब्रेशन जो है जब क्या है कि किसी मोशन में अगर जल्दी से यानी तेज़ी से टू और फ्रो जब मोशन हो रहा है उसको कहते हैं वाइब्रेशन। एग्ज़ाम्पल की बात करें तो कोई अगर रबर बैंड है उसको अगर आप खींचते हैं और खींच करके जैसे छोड़ते हैं तो देखिएगा आपको कुछ वाइब्रेशन जैसा साउंड सुनाई देगा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जैसे बांसुरी है, तबला है, हारमोनियम है, गिटार है, उसमें भी वाइब्रेशन होता है। उनमें जो इंस्ट्रूमेंट में जो भी डिवाइसेस हैं, जैसे अगर हम फ्लूट की बात करें तो एयर कॉलम के थ्रू होता है, तबला की बात करें तो उसमें स्ट्रेच मेम्ब्रेन होता है, गिटार में बहुत सारे पतले पतले तार लगे होते हैं उनमें हाथ से बजाया जाता है, तो उसमें भी वाइब्रेशन होता है जिसकी वजह से साउंड निकलता है। अगर आप किसी स्पून से, किसी चम्मच से किसी प्लेट में मारते हैं तो देखिएगा उसमें भी वाइब्रेशन होगा और साउंड प्रोड्यूस होगा। साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन, यानी ह्यूमन बींग जो है वो कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो ह्यूमन बींग में जो साउंड जो है वो वाइब्रेशन होता है, हम लोग का जो वॉइस बॉक्स है जिसको लैरेंस भी कहते हैं उसमें वाइब्रेशन होता है तो हम लोग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। यह कहाँ है, तो हम लोग का जो गला है जस्ट विंड पाइप के ऊपर, वहाँ पर ये छोटा सा उभरा हुआ पार्ट है उसको कहते हैं। और इसमें होता है दो स्ट्रेच मेम्ब्रेन होता है जिसको वोकल कोड कहते हैं, और इस वोकल कोड के बीच में एक छोटा सा नैरो बहुत ही पतला छेद होता है जिससे एयर जो है वो पास होते रहता है। अभी जब लंग्स जो है वो एयर को बाहर छोड़ता है, ठीक है ना, जब हम लोग बात करते हैं जब हवा बाहर आता है तो इस जो स्लिट है उसके अंदर हवा आने से क्या होता है, ये वोकल कोड में वाइब्रेशन होने लगता है जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो जाता है। तो जो वोकल कोड है वो मसल से अटैच रहता है जिसकी वजह से ये या तो टाइट होगा या तो लूज होगा, और जब भी ये टाइट या लूज होगा तो अलग अलग तरीके का साउंड निकलेगा। साउंड नीड्स अ मीडियम टू प्रोपगेट, यानी साउंड को ट्रैवल करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए मीडियम पर जरूरत पड़ता है। तो जो नेसेसरी जो है प्रोपगेशन के लिए साउंड का, जो वेव है, वेव बनते रहता है इस तरीके से एयर में, तो उसके वजह से साउंड जो है वो प्रोपगेट करता है। अब साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए, तो मीडियम जो है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लेकिन साउंड जो है कभी भी वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करेगा। तो वैक्यूम क्या है, तो वैक्यूम का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ कंप्लीट मैटर, यानी किसी जगह से सारा एयर उसके अंदर जो पार्टिकल्स है उसको सारा निकाल देंगे तो वो वैक्यूम बन जाएगा। साउंड वेव जो है वो बिना मैटर का ट्रैवल नहीं कर सकता है, तो इसीलिए साउंड को जो है वो फिजिकल मीडियम चाहिए प्रोपेगेट करने के लिए, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, कहीं भी जाना हो तो। अब हम लोग जो सुनते हैं वो किसी मीडियम में जो पार्टिकल्स है उसके थ्रू सुनते हैं, अगर उसमें नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं सुन पाएंगे। इसी तरीके से जो एक्वाटिक एनिमल है वो भी कम्युनिकेट करते हैं जो वाटर में रहते हैं। वी हेयर साउंड थ्रू आवर ईयर, यानी हम लोग जो साउंड है वो कैसे सुनते हैं, तो अपने हम लोग कानों से सुनते हैं। तो हमारा जो कान है उसका जो शेप है वो फनल शेप का है, और ये जो है वो साउंड को कलेक्ट करता है। उसके बाद साउंड जो है वो पास होकर के आगे की तरफ कनाल जैसा स्ट्रक्चर वहाँ जाता है, और वहाँ पे होता है स्ट्रेच मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं ईयर ड्रम या कहते हैं टाइपेनम। ईयर ड्रम जो है वह साउंड के वजह से वाइब्रेशन उसमें प्रोड्यूस होता है, और ये वाइब्रेशन जो है वह एम्पलीफाइड होकर के तीन छोटा छोटा बोन है, सबसे छोटा बोन है हम लोग का कान में, इसमें है हैमर है, एनविल है, स्टैरप है, ये तीनों क्या होता है ये एम्पलीफाई करता है और
आगे इसको ट्रांसमिट कर देता है इनर ईयर को, यानी आगे में जो इनर ईयर है अंदर वाला ईयर उसको कहते हैं इनर ईयर। इनर ईयर जो है साउंड को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिक सिग्नल में, और उसमें एक ऑर्गन है उसका नाम है कॉलिया, और वो सेंड कर देता है ब्रेन को। और ब्रेन के बाद जो है ऑडिटरी नर्व्स होते हैं उसके अंदर हमारे बहुत सारे, और वो उस साउंड को वो एनालाइज करता है किस तरीके का साउंड हमारे ब्रेन तक पहुंचा है। एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। तो साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है, हम लोग जानते हैं कि टू और फ्रो मोशन से प्रोड्यूस होता है, जिसको वाइब्रेशन कहते हैं, और इसको ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। सबसे पहले समझते हैं एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जब होता है कोई, अगर कहीं पे कुछ वाइब्रेशन हो रहा हो, जैसे मान लीजिए इस तरीके का कोई वाइब्रेशन हो रहा हो, तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है यानी ये जो डिस्प्लेसमेंट है दूरी है, ठीक है ना, तो उसी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं एम्पलीट्यूड। और इसको कैपिटल ए से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि और इसका जो ऐसा यूनिट है वो मीटर होता है। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी का डिफिनेशन है नंबर ऑफ वाइब्रेशन एंड ऑसिलेशन कंप्लीटेड बाय एन ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड, ठीक है, वो इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। यानी अगर कोई वाइब्रेशन या किसी बॉडी में ऑसिलेशन हो रहा हो तो 1 सेकेंड में जितना उसको लगा, ठीक है ना, तो वो फ्रीक्वेंसी कहलाएगा साउंड का। इसके लिए जो आप फॉर्मूला है, जैसे फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशन बाय टोटल टाइम, यानी जितना ऑसिलेशन किया कितना समय लगा। फ्रीक्वेंसी जो है वो उसको एक्सप्रेस करते हैं हर्ट्ज में, और इसको रिप्रेजेंटेड करते हैं कैपिटल एच स्मॉल जेड में। किसी ऑब्जेक्ट का अगर फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है तो इसका मतलब कि उसमें 20 ऑसिलेशन पर सेकेंड हो रहा है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट का ऑसिलेशन या वाइब्रेशन 80 बार अगर 1 सेकेंड में हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो 80 हर्ट्ज के बराबर है। अब समझते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन और वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। यानी एक ऑसिलेशन या वाइब्रेशन को पूरा होने में जितना समय लगता है उसको कहते हैं टाइम पीरियड। इसको हम लोग कैपिटल टी से लिखते हैं, और इसका जो ऐसा यूनिट है वो है सेकेंड। फॉर्मूला देखें तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू जितना टाइम लगा और नंबर ऑफ ऑसिलेशन और वाइब्रेशन से उसको डिवाइड कर देते हैं। यानी टाइम पीरियड इज इक्वल टू टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन और वाइब्रेशन। लाउडनेस एंड पिच। तो लाउडनेस क्या है, वो एक मेजरमेंट है साउंड के एनर्जी का, कितना पर सेकेंड वो हो रहा है, ठीक है ना, कितना पर सेकेंड वो इंक्रीज कर रहा है। लाउडनेस और सॉफ्टनेस जब वो डिपेंड करता है उसका एम्पलीट्यूड के ऊपर। अगर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन लोअर है तो हम लोग कह सकते हैं कि उसका पिच लोअर है। जैसे ड्रम जो है वो वाइब्रेट करता है वो लो फ्रिक्वेंसी में, ठीक है, अगर फ्रिक्वेंसी हाइयर है तो हम लोग कह सकते हैं कि पिच उसका हाइयर है। एग्जाम्पल, जो हम लोग विसिल बजाते हैं उसके पास हायर फ्रिक्वेंसी होता है। टॉपिक, ऑडिएबल एंड इनऑडिएबल साउंड, यानी जो उसको हम लोग सुन सकते हैं और जिसको नहीं सुन सकते हैं। तो जो साउंड का रेंज है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज का जो रेंज है, यानी इस बीच का जो साउंड है फ्रीक्वेंसी का, उसको हम लोग ऑडिएबल साउंड कहते हैं। और जो ह्यूमन बींग है वह सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच का रेंज का साउंड। अगर किसी साउंड का फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से अगर कम है और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है, तो वह जो है वो इनऑडिएबल साउंड, यानी वो नहीं सुन सकते उस साउंड को हम लोग। और ह्यूमन बींग जो हम लोग उस रेंज को नहीं सुन पाते हैं। हालांकि कुछ एनिमल है जैसे डॉग है, कैट हैं, वो इस फ्रीक्वेंसी यानी 20,000 हर्ट्ज के ऊपर के भी साउंड सुन सकते हैं। नॉइज़ एंड म्यूज़िक। नॉइज़ किसको कहते हैं, तो अनप्लीजेंट टू हियर, यानी जो सुनने में हमको अच्छा ना लगे, जैसे कार का हॉर्न हो गया, गाड़ी का जो चलता है उसका साउंड हो गया, फैक्ट्री का निकलने वाला साउंड हो गया, वो सब अनप्लीजेंट साउंड है। म्यूज़िक किसको कहते हैं, जो सुनने में अच्छा लगे, जैसे
गाना बजता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, नॉइज़ किसको कहते हैं? तो प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव लाउड अनवांटेड अनबियरेबल साउंड टू आवर ईयर, यानी हम लोग को ज़्यादा तेज आवाज़ और जिसको हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं नॉइज़ पोल्यूशन। जैसे आप देखते होंगे कि किसी ट्रैफिक सिग्नल में बहुत ज़्यादा लोग एक साथ हॉर्न बजाते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। एग्जांपल है साउंड ऑफ व्हीकल एक्सप्लोजन, यानी जब कोई पटाखा वगैरह जलाते हैं हम लोग तो आवाज़ करता है, फटता है, तो क्रैकर का हो गया, मशीन्स का हो गया, लाउड स्पीकर जब कभी तेज़ बजाते हैं तो, या घर में तेज वॉल्यूम में टीवी देखते हैं तो घर में जो गाना बजाते हैं उसमें तेज़ आवाज़ में बजाते हैं, तो ये सब भी क्या है, नॉइज़ पोल्यूशन है। मेजर्स टू लिमिट नॉइज़ पोल्यूशन, यानी हम लोग नॉइज़ पोल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं, तो नॉइज़ पोल्यूशन को कम अगर करना है तो उसके लिए कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो हम लोग को उठाने होंगे। हम लोग को अपना शुरुआत जो है वो घर से करना होगा। जैसे हम लोग जब टीवी देखते हैं या रेडियो बजाते हैं या लाउड स्पीकर बजाते हैं तो हम लोग को बहुत ही लो वॉल्यूम में बजाना चाहिए। इसके अलावा जो भी व्हीकल्स हैं, ठीक है ना, व्हीकल्स जैसे आपका गाड़ी हो गया या फिर जो एयरक्राफ्ट इंजन है उनमें या फिर जो इंडस्ट्री है उनमें बहुत ज़्यादा साउंड निकलता है, तो उनको ऐसा डिवाइस लगाना चाहिए जिससे साउंड जो है वो कम हो जाए। इसके अलावा जो हम लोग गाड़ियों में हॉर्न बजाते हैं वो भी नॉर्मल जो हॉर्न हो वैसा लगाना चाहिए, ज़्यादा तेज साउंड वाला हॉर्न नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा जो है हम लोग को जो जहाँ पर ज़्यादा पोल्यूशन होता हो, ज़्यादा साउंड पोल्यूशन होता हो, वैसे एरिया में हम लोग को घर नहीं बनाना चाहिए। घर बनाना चाहिए जहाँ पर फैक्ट्री वगैरह कम हो या ना हो। प्लांट जो है वो साउंड को क्या करते हैं, अब्सॉर्ब कर लेते हैं, तो इसीलिए आप सड़क के किनारे हो गए, रोड साइड में हो गए, या फिर जो बिल्डिंग है उसके आसपास, फैक्ट्री है उसके आसपास जो हम लोग बहुत सारे प्लांट लगाएंगे तो नॉइज़ पोल्यूशन कम हो सकता है। इसके अलावा जो है वो हम लोग कुछ अवेयरनेस यानी जागरूकता फैला सकते हैं लोगों के बीच में कि आप जो है इस तरीके का जो साउंड बजा रहे हैं वो सही नहीं है। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे मरीज हैं, हार्ट के मरीज हैं, हाइपरटेंशन के मरीज हैं, जिनको बहुत ज़्यादा साउंड पोल्यूशन से नुकसान हो सकता है। तो ये रहा आपका नोट्स का एक्सप्लेनेशन, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।